Hello and welcome back to yet another healthy episode of Nurturing Homes. आज हम सिर्फ तीन मेन इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाएंगे ये यमी एंड डिलिशियस न्यूट्रिशियस हेल्दी लड्डूस, जिनमें हम ऑयल, घी या शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे. वी आर मेकिंग टुडे तिल मूंगफली के लड्डू, और ये इतने सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इसमें घी या ऑयल का हमने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है. यू विल सिंपली फॉल इन लव विद दीज लड्डूज वंस यू मेक देम एंड ट्राई देम फॉर श्योर. सो लेट्स बिगिन मेकिंग दीज लड्डूज. इन्हें बनाने के लिए तीन मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें लगेंगे वो है एक कप सफेद तिल, आधा कप मूंगफली और 3/4 कप गुड़. These are the only three ingredients जो हमें चाहिए ये लड्डू बनाने के लिए. इसके अलावा जो ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर सकते हैं इस रेसिपी में वो है अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स. मैं ले रही हूँ 2 tablespoon काजू और 2 tablespoon बादाम. फ्लेवरिंग के लिए हम यूज करेंगे 1/2 teaspoon इलायची पाउडर और 1/2 teaspoon सौंट का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर. सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे 1 cup सफेद तिल को. इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट आपको ध्यान देना है कि इन्हें एकदम लो फ्लेम पे ही आपको ड्राई रोस्ट करना है. अगर आप फ्लेम इंक्रीज कर देंगे तो ये जल्दी भुन जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे. सो मेक श्योर यू आर पेशेंट वाइल रोस्टिंग दीज तिल. एक बार जब ये तिल भुन जाएंगे तो आपको इनमें से चटकने की आवाज आने लगेगी कुछ इस तरीके से. सो यू नो दीज आर डन. हम इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे. और अब नेक्स्ट भूनेंगे हम 1/2 cup मूंगफली. इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे. एक बार जब ये हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा. गरम गरम मूंगफली का छिलका निकालना बहुत आसान होता है, तो इसकी स्किन हम रिमूव कर लेंगे और इन्हें तिल के साथ निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए. अगर आपको इसका छिलका रिमूव करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो आप एक कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कपड़े को जब आप गर्म मूंगफली पे रब करेंगे तो छिलका आराम से निकल जाएगा. नेक्स्ट बारी है ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करने की. मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, लेकिन आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं. एक बार जब ये भी भून जाएंगे इनको हम ग्राइंडर जार में निकाल के ग्राइंड कर लेंगे. कोर्सली ग्राइंड करना है या फाइन ग्राइंड करना है ये आपका प्रेफरेंस रहेगा. आपको अगर ग्राइंड नहीं करना तो आप इन्हें चॉप करके भी रोस्ट कर सकते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू. अब इन्हें भी निकाल लेते हैं हम बाकी की भुनी हुई चीज़ों के साथ, और यहाँ पे हमारी गैस का काम हो गया है ख़त्म. नेक्स्ट इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है. तो सबसे पहले मैं ग्राइंड करूँगी मूंगफली को. मूंगफली को यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है ग्राइंड करने के लिए, और इसको हम सबसे पहले ग्राइंड करेंगे. ग्राइंड करके जब इनका पाउडर हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड तिल. लेकिन सारे तिल मैं एक साथ नहीं डालूंगी, आधे ही डालूंगी इस समय. अब तिल और मूंगफली को दोनों को हमें एक साथ ग्राइंड करना है, और ध्यान रखना है कि इन्हें तब तक ग्राइंड करते रहना है जब तक कि इनका ऑयल रिलीज ना हो जाए और ये स्टिकी ना हो जाए. जब आप इस मिक्सर को टच करके देखेंगे तो ये अपने आप में बंध जाएगा. टू दिस एक्सटेंट वी हैव टू ग्राइंड देम. ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, वो इस वजह से क्योंकि यही जो इनका इंटरनल ऑयल है जो ग्राइंड करते वक्त रिलीज होगा, इसी में हम इन लड्डुओं को बांधेंगे, और यही वजह है कि हम इसमें एडिशनल ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो ग्राइंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर. अब मैं रिमेनिंग तिल भी ग्राइंडर जार में डाल दूंगी ग्राइंड करने के लिए. इन्हें भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है. रिमेंबर ग्राइंडिंग ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को ग्राइंड करना है ताकि उनका ऑयल रिलीज हो जाए. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके लड्डू एंड में बंधेंगे नहीं, और आपको एडिशनल मेल्टेड घी डालने की ज़रूरत पड़ जाएगी इन दैट केस. सो मेक श्योर यूर ग्राइंडिंग दिस वेल.
तिल भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं इनमें ऐड करूँगी 3/4 कप के करीब गुड़। यहाँ पे मैंने गुड़ का पाउडर नहीं लिया है, गुड़ का जो ब्लॉक आता है उसको मैंने फाइनली चॉप करके यहाँ पे 3/4 कप नाप के लिया है। जो गुड़ का ब्लॉक होता है वो ज़्यादा स्टिकी होता है, तो मैंने वही प्रेफर यहाँ पे किया है, ताकि अगेन रीज़न हमारा वही है, ये चीज़ें अपने आप में बंध जाएंगी और हमें एडिशनल ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं, अपने आप में बंध रही हैं। इनको सबको हम एक साथ बोल में इकट्ठा कर लेंगे और साथ ही में जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखा है वो भी इसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून के करीब डालूंगी मैं इसमें सौंठ का पाउडर और आधा टीस्पून ही डालेंगे इलायची पाउडर फॉर द फ्लेवरिंग। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इलायची पाउडर को घर पे बहुत आसानी से बनाया जाता है। दिस इज़ वन स्पाइस जो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है बाज़ार में, लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहें तो घर में बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीके से और बिना किसी वेस्टेज के बन जाता है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो चेक नहीं किया है कि घर पे आसानी से इलायची पाउडर कैसे बनाते हैं, देन डू चेक दैट आउट। द लिंक टू दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टू मिक्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेल, हैंड इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे हाथों का ही इस्तेमाल करूँगी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने में। जब आप इन चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये सब चीज़ें आराम से मिक्स हो जाएंगी और एक डो की तरह फॉर्म ले लेंगी। दैट्स बिकॉज इन सभी चीज़ों का अपना इंटरनल ऑयल रिलीज हुआ है एंड ये सब चीज़ें स्टिकी हो चुकी हैं इस समय। दैट्स द रीज़न अब हम इनके लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। लड्डुओं का साइज छोटा या बड़ा ये आपके ऊपर है, बट ट्रस्ट मी, बिना ऑयल या घी के ये लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड मेल्ट इन माउथ बनते हैं। दिस रेसिपी इज डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई एंड वेन यू ट्राई दिस आउट डोंट फॉरगेट टू शेयर योर पिक्चर्स विद अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। दोनों ही जगह हमारा आईडी है बाय द नेम नर्चरिंग होम्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस हियर फॉर सम डेली लाइफ अपडेट्स। इफ यू रियली लव वॉचिंग आर वीडियोज डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन अ कमेंट टू लेट अस नो वॉट यू वुड वॉन्ट टू वॉच नेक्स्ट। इन लड्डुओं को मैं गार्निश कर रही हूँ काजू के टुकड़े के साथ। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रेसिपी। If you're watching us for the first time, do consider subscribing and also hit the bell icon next to it so you are notified whenever we upload our next one. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next one soon. Bye-bye.